दोस्तों, कोलकाता से शर्मनाक हार के बाद मुंबई हुई प्लेऑफ से बाहर, तो हार्दिक पांड्या की घटिया कप्तानी पर भड़क गई मुंबई की मालकिन नीता अंबानी और सचिन तेंदुलकर तो देख सबके होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, मुंबई और कोलकाता के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने मुंबई को 170 रनों का टारगेट दिया, जिसे मुंबई की टीम चेंज नहीं कर पाई और 145 पर ही मुंबई की टीम ऑल आउट हो गई। खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस का बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप रहा। ईशान किशन महज 13 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने। रोहित शर्मा भी महज 11 रन ही बना पाए और उन्हें सुनील नारायण ने आउट किया। नवन धीर भी 11 रन बनाकर चलते बने। तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। और तो और, टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या उस वक्त आउट हुए जब टीम को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज भी हार्दिक महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि सूर्यकुमार यादव ने 56 रन जरूर बनाए, लेकिन वह भी मुंबई को जीत नहीं दिला सके। कोलकाता ने मुंबई को उन्हीं के घर में 24 रन से बुरी तरह से हरा दिया। इस सीजन मुंबई की यह 8वीं हार है और इस हार के साथ ही मुंबई प्लेऑफ से बाहर हो गई। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का इस सीजन जो हाल हुआ है उससे कोई भी खुश नहीं है। इस पूरे सीजन उनका प्रदर्शन भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। वह गेंदबाजी से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाजी से कप्तानी तो उनकी और भी खराब रही। वहीं इस हार का सबसे बड़ा कारण हार्दिक पांड्या की खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी और उनके द्वारा लिए गए गलत फैसले को बताया जा रहा है। एक कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या का लगातार खराब प्रदर्शन जारी है और इसी बात को लेकर हार के बाद मुंबई की मालकिन नीता अंबानी और सचिन तेंदुलकर हार्दिक पांड्या पर भड़क गए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुंबई की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही, हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी या फिर कुछ और, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।